दियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू द एन ऑफ यूनिट नंबर सिक्स मदर टू सन इसकी समरी इसके क्वेश्चन आंसर्स इसके इसके बाकी जितना भी रिलेटेड uh, मटेरियल है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इस पोएम को स्टडी कर सकते हैं तो एन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एन इज़ लाइफ फॉर मी एट बीन नो बैड ऑफ रोजेज नो क्रिस्टल स्टेयर नो चार्मिंग ड्रीम सो दैट करेक्ट ऑप्शन इज नो क्रिस्टल स्टेयर Second MCQ is that Mother to Son is written by Zora Neale, Langston Hughes or Douglas Malek. So it is written by Langston Hugh Hayes. Uh, the poet gives the example of dash to symbolize life. Example of timber, example of stair, or example of game. So the poet gives the example of stair to symbolize the life. Uh, it had tags in it, and dash, and boards torn up. So what scars the uh jab wo Life key uh, example leta, stair ke saath. So it had scars, it had nails, or it has splinters. So the correct option is splinters. Uh, fifth MCQ is that the poet resembles life with a place that had no wall paintings, carpets on the floors, or ventilation. So the correct option is carpets on the floor. I has been a climbing on and reaching, landing and turning, turning books, turning corners, turning sides. So the correct option is turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no dash what population light or crowd so the correct option is there ain't been no light don't you set down in the steps cause you find it's dash hard it's pretty hard it's kinder hard it's not really hard so the correct option is it's kinder hard i is is a non-standard form for i was i should or i have so it is a non-standard form for i was all right okay uh, langston hughes is, is known as the leader of american poetry harlem renaissance or imagist poetry so he is considered as a leader of harlem renaissance okay yeah movement the american poetry can डैश इज एन ईडियम एंड इट इज यूज फॉर फॉल्स टीयर्स टू गिव इम्प्रेशन ऑफ सैडनेस आउट ऑफ ब्लू कोल्ड टर्की या क्रोकोडाइल टीयर्स क्रोकोडाइल टीयर्स जो है ये एक ईडियम है जो यूज होता है किस चीज के लिए झूठे आंसुओं के लिए अ हजबेंड हुई हिज वाइफ इज कॉल्ड बियर विद अ सोरपा हैंडपैक्ट और अबी इन द बोनेट सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैंडपैक्ट जिसको हम पंजाबी में रन मुरीद कहते हैं ओके बियर विद सोरपा मीन्स वेरी कामन कूल

डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर बॉयल्ड बिफोर दे हैच और बिफोर दे ब्रेक सो द क्रेक्ट ऑप्शन इज़ बिफोर दे हैच द कार्स व डांसिंग द सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाट एग्जाम्पल ऑफ इमेजिरी एग्जाम्पल ऑफ प्रसोनिफिकेशन और एग्ज़ाम्पल ऑफ मैटाफोर सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रसोनिफिकेशन क्योंकि डांस जो है वह इंसान करते होते हैं तो जब आप इंसानों वाली खसूसियात जानवरों में या जा जो बेजान चीज़ें हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रसोनिफिकेशन फाइंड द पेयर ऑफ रामिंग वर्ड्स इसमें से आपने राममिंग वर्ड्स ढूंढने हैं ईट और ड्रिंक नो दे आर नॉट राम वर्ड्स सिंग एंड विंग यस दे आर राइमिंग वर्ड्स बीट एंड सिट भी नहीं हो सकता सो दिस इज द रमिंग यू नो दिस इज द पेयर ऑफ राम वर्ड्स द साइनो नेम फॉर काइंडर हार्ड इज प्लेजेंट डोमेस्टिक वर्ड और एग्जॉस्चन सो काइंडर हार्ड का मतलब है एग्जॉस्चन बहुत थका देने वाला कोई काम लास्ट टाइम से क्यों है कि डो नॉट यू फॉल नाओ फॉर आई स्टिल गोइन हनी आई एम स्टिल फाइटिंग स्ट्रगलिंग और क्लाइमिंग तो यहाँ पर क्या आएगा क्लाइमिन राइट तो चैप्टर नंबर सिक्स के भी हमने एम सी क्यूज कर लिए हैं इंडेक्स क्लास वी विल इंशाला नंबर सेवन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़